आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ एक चमत्कारिक उपाय। मुंह में लेकर दबा लें इस चीज़ को और उसके बाद जो सोचेंगे ना वो होने लगेगा। ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आएंगी, खुशहाली आएंगी जिसकी कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मित्रों, शुक्रवार के दिन आपको सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने हैं। सफ़ेद रंग का जो कपड़ा है उसमें एम्ब्रॉयडरी होनी ज़रूरी है। एम्ब्रॉयडरी वाला कोई भी सफ़ेद रंग का कपड़ा पहने। अगर आपके घर में अलाउ नहीं है तो उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में आप पिंक कलर ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी एम्ब्रॉयडरी होनी ज़रूरी है। बाकी लखनवी चिकनकारी का जो क्लॉथ होता है वो अच्छा रहता है, वो ले लीजिए आप। इसके बाद आपको क्या करना है, ज़मीन पर खड़ा होना है, लेकिन अपने जो आगे का फिंगर्स और अंगूठे वाला जो एरिया है उसके बल पर खड़ा होना है, एड़ी को ऊँचा कर लेना है। एड़ी को ऊँचा करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको लेनी है दो इलायची। उस इलायची पर सिल्वर कोटिंग होनी ज़रूरी है, खुशबूदार इलायची मिलती है, और ये खुशबूदार इलायची सामान्य वाली ही लेनी है, जो गुटका जर्दे वाली है वो नहीं लेनी है, वो लोगे तो परेशानी में पड़ जाओगे। तो खुशबू वाली सिल्वर नॉर्मल सी इलायची जो हर कोई खा सकता है, जिसमें कोई गुटका जर्दा नहीं होता है, वो वाली इलायची आपको लेनी है और दो इलायची लेकर आपको अपने मुँह में दबा लेना है। इसके बाद आपको अपनी आंखें मूंदनी है, मुद्रा वही रहेगी, अंगूठे उंगलियों पर खड़े होना है, एड़ी ऊंचा कर लेना है, और उसके बाद आपको इमेजिन करना है कमल के पुष्प का। कमल के पुष्प का इमेजिन करते हुए आपको ये सोचना है कि उसमें माँ लक्ष्मी विराजमान है और अथाह धन के भंडार उनके हाथों में हैं और वो आपको दे रही हैं, और आप पकड़ रहे हो, अपनी इमेजिनेशन में पकड़ लेना उसको। बस इतनी सी क्रिया करनी है, और ये आप जितना ज़्यादा संख्या में करेंगे, एक दिन में एक बार ही करनी है, लेकिन जितनी ज़्यादा संख्या में करेंगे आप देखना कायाकल्प होने लगेगा, आपकी ज़िंदगी में इतने सुख आने लगेंगे, आपकी आर्थिक उन्नति होने लगेगी। किराए का मकान है तो घर का मकान बन जाएगा, प्रेमी प्रेमिका नहीं मिल रहे हैं तो उनसे मिलन हो जाएगा, वो खुद आगे बढ़ के आपको मनाएंगे। कोई कहीं इज्जत नहीं मिल रही तो वहाँ इज्जत मिलने लग जाएगी। ये बहुत ही बढ़िया टोटका और उपाय है, इसको ज़रूर आप करिए। और इलायची जो मैंने बताई है उसका ज़रूर ध्यान रखना, वही वाली इलायची होनी चाहिए, कोई और इलायची लेंगे तो वर्क नहीं करेगा। इसके बाद आपको एक दो तीन बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे डॉक्टर आपको दवाई देता है लेकिन परहेज भी बताता है, तो इसको परहेज ही समझना आप। आपको कोई भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है, आपको अपने अलावा किसी और के उद्देश्य के बारे में नहीं सोचना है, आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपने कार्य में ही मगन रहना है। आपको किसी की निंदा चुगली, किसी को सताना, ये सब काम नहीं करने हैं। किसी स्त्री का अपमान नहीं करना है, गाली गलौज नहीं करनी है, मारपीट नहीं करनी है, अपने घर की स्त्री को बहुत सम्मान देना है, तभी आपका ये काम हो पाएगा।